मैं संजय अम्बेडकर भीमराल दत्तक चैनल से, आप देखना शुरू कर चुके हैं भीमराल दत्तक चैनल। आज हम पहुँचे हैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी प्रदीप माही के पास और हम बात करेंगे इनसे। जैसा कि कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत के सभी लोगों का डीएनए एक है, तो प्रदीप माही जी आपका क्या कहना है? अगर भारत के सभी लोगों का डीएनए एक है तो फिर यहाँ पे जो जातिवाद हो रहा है, जो धर्म के नाम पे लोगों के साथ मॉबलिंचिंग हो रहा है, धर्म के नाम पे भेदभाव किया जा रहा है, अगर मोहन भागवत ऐसा कह रहा है तो सभी का जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। जाति व्यवस्था को खत्म करके डीएनए के आधार पे एक नागरिकता दे देनी चाहिए। जो अभी एनआरसी का मुद्दा पूरे देश भर में आरएसएस भाजपा के लोगों ने लाया, अगर डीएनए एक है तो डीएनए के आधार पे सभी को नागरिकता दिया जाए। लेकिन मोहन भागवत वो केवल मुँह से बोल रहा है कि ये सभी का डीएनए एक है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। उसको लग रहा है कि ये जो अभी वामन मेश्राम जी ने डीएनए का मुद्दा पूरे देश भर में उठा दिया है तो सारे लोगों को पता चल गया कि डीएनए के माध्यम से ब्राह्मण विदेशी साबित हो जाएगा, तो इसलिए अपने आप को विदेशी ना साबित होने दें, इसलिए वो ऐसा चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं, फैला रहे हैं, ह्यूमर फैला रहे हैं लोगों के बीच में कि सारे लोगों का डीएनए एक है। पहले तो कभी डीएनए के बारे में नहीं बोला। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि 2022 के यूपी चुनाव जो आगामी आने वाला है लोगों को लुभाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर ऐसा किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते हैं। अगर तुम हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते हो, आज बता रहे हो कि दोनों लोगों का डीएनए एक है, तो 2022 का चुनाव अगर सामने ना होता तो उसके पहले तुम बोले होते तो जाना जाता। अभी 2022 का चुनाव है, चुनाव का खत्म होते ही फिर से धर्म के नाम पे लोगों के साथ में अत्याचार अन्याय होना शुरू हो जाएगा, फिर डीएनए नहीं देखा जाएगा। तो ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के लोगों को डीएनए अगर एक मानते हो तो दोनों के साथ में अगर कोई किसी के साथ अन्याय होता है तो क्या खड़ा होता है आरएसएस या भाजपा? आज हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं आप देख लीजिए, आप फूलपुर की घटना देख लीजिए, आप जो है कि आजमगढ़ की घटना देख लीजिए, क्या आरएसएस और भाजपा ने उनके लिए कुछ किया? क्यों नहीं किया? अगर डीएनए एक है, सभी लोग भारतीय हैं, तो भारतीयों के लिए लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। कहीं ये नहीं लगता कि आज अगर आप सबका है कि डीएनए सबका एक है तो जातिवाद तो नहीं लगता कि आजमगढ़ के मामले में वो संज्ञान नहीं ले रही है? अगर जातिवाद ना होता तो वहाँ पे आज इतने पद पे होने के बाद भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। एक आम आदमी को तो छोड़िए, वो वर्तमान प्रधान है, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, फिर भी ठाकुर जाति के लोग, बड़े जाति के लोग उनके साथ अन्याय किए। लेकिन वहाँ की पुलिस प्रशासन खुल्लम खुल्ला गुंडेगर्दी किया, उनका मकान ढहाने का काम किया, उनका ट्रैक्टर जलाने का काम किया और उनकी बाइक जलाने का काम किया, यहाँ तक उनके दाल आटा सब फेंक दिया गया। और अभी एक खबर निकल कर आ रही प्रयागराज से, थाना साई नायक से गाँव जो है खंगरा है, वहाँ की रिपोर्ट मिल रही है कि 3-4 दिन से बच्ची लापता थी और बच्ची की लाश मिली है, लगभग तेजाब से डालकर जलाया गया, तो उस पर क्या थी? वो श्रद्धा पासी नाम की जो बच्ची है 12 साल की, उसके साथ भी ऊंची जाति के लोगों ने अन्याय किया, उसको पहले अपहरण किए, उसके बाद उसके साथ 2 दिन तक लगा जानकारी हो इसके लिए उस लड़की को मार डाला गया और उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया। लेकिन उस गांव के लोग, उस परिवार के लोग सहमे हुए हैं कि अगर हम मुंह खोल देते हैं तो हमारे साथ और भी बड़ी घटना हो जाएगी और लोगों के साथ में हत्या हो सकती है, बलात्कार हो सकता है, इसलिए लोग नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग आवाज उठाने का काम भी कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। भाई जितेंद्र धनराज जी को बताया जा रहा है कि वहाँ से जितेंद्र धनराज जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर क्या कहना? हम लोगों के संघर्षों के साथी हैं जो कि उस बहन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, जिसने बलात्कार किया, जिसने उस बहन की हत्या किया, उसको पुलिस की खोज करनी चाहिए। लेकिन उसकी खोज पुलिस नहीं करके जो उसको न्याय दिलाने की बात कर रहा है उसको पुलिस गिरफ्तार करके थाने में बैठा रही है। अभी हम लोग वहाँ भी गिरफ्तारी के लिए विरोध में हम लोग चलेंगे और थाना अध्यक्ष महोदय से ये सवाल रखेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जो लोग न्याय मांग रहे हैं, न्याय मांगने वाले लोगों को ही आप अंदर करने का काम कर रहे हो। कहीं ये नहीं लगता है कि पुलिस और प्रशासन की गुंडागर्दी है? निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करती है। आप जाइए, आप सवाल करिए तो आपका कैमरा बंद करवा देंगे, आपसे सवाल नहीं पूछने देंगे। जो लोग
न्याय की बात करते हैं, उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं, उनको धमकी देते हैं कि मुकदमा कर दिया जाएगा। ये प्रशासन तो गुंडागर्दी करता ही है। अगर प्रशासन ना गुंडागर्दी करती होती तो 3 दिन से लड़की गायब थी, पुलिस प्रशासन ने क्यों खोजा नहीं? खोजना चाहिए पुलिस प्रशासन को ना, लेकिन पुलिस प्रशासन ने खोज नहीं किया, इसकी वजह से लड़की की हत्या हुई। बताया जा रहा कि वहाँ पे जो है भाजपाइयों का दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, भाजपा के नेता वहाँ जाकर के दबाव बना रहे हैं। उनका मानना ये है कि लड़की के साथ गलत नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें भाजपा के लोगों के जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं लोगों का उसमें केस में इंटरफेयर है, इसलिए ऐसा हो रहा है।